लोकसभा का मतदान शुरू हो चुका है और हम साथ हैं पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी के। दुष्यंत चौटाला जी परिवार के साथ वोट डालने जा रहे हैं, दिग्विजय चौटाला जी साथ मौजूद हैं, उनकी माताजी नैना चौटाला, अजय सिंह चौटाला, सब लोग साथ में परिवार के साथ वोट डालते हैं। हमारे साथ दुष्यंत चौटाला मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कैसे देखते हैं दुष्यंत जी चुनाव को, क्योंकि आज आखिर वो दिन आ गया है। बड़ी लंबी मेहनत कह सकते हैं या बड़ा लंबा प्रचार आप लोगों ने किया। लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व लोकसभा का चुनाव है और मैं मानता हूँ सभी लोगों ने, सभी कैंडिडेट्स ने, सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने आज तक का मेरे जीवन का सबसे लंबा लोकसभा चुनाव लड़ा है। मैं बड़ा पीसफुली लगभग ये चुनाव निपटा है। माइनर इंसिडेंट्स हुए मगर उसके बावजूद भी हरियाणा की जनता ने बड़े, मैं कहता हूँ कि मजबूती के साथ इस चुनाव को देखा है और आने वाले दिनों के अंदर जब रिजल्ट्स आएंगे तो देश का भविष्य भी हरियाणा की जनता तय करेगी। क्या मूड लगता है कि जनता एक बार तीसरी बार मौका देगी या बदलाव चाहती है? जनता बदलाव चाहती है और जिस तरह का इलेक्शन ट्रेंड देखा गया है मुझे लगता है बड़ा बदलाव देश के अंदर। नैना चौटाला भी हिसार से आपकी माता जी हैं, चुनाव लड़ रही हैं, कैसे देखते हैं वहाँ मुकाबला, क्योंकि एक ही परिवार के कई लोग भी लड़ रहे हैं? बहुत अच्छा चुनाव रहा है हिसार का और हिसार ने ये मन जरूर बनाया है कि हरियाणा की आवाज़ को वो पार्लियामेंट में भेजे और हरियाणा की आवाज़ को चुनने के लिए फिर रीजनल एस्पिरेशंस को ताकत मिलेगी। और आज मैं मानता हूँ कि जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार को सभी 10 की 10 लोकसभा सीटों पर करनाल उपचुनाव पर बहुत अच्छा मतदान भी मिलेगा और ताकत। दिग्विजय चौटाला जी भी हमारे साथ हैं। दिग्विजय जी कैसे देखते हैं आज मतदान का जो पर्व है वो आ चुका है? हाँ, ये तो एक त्यौहार की तरह है, पर्व की तरह है और बहुत उत्साह से सब मना रहे हैं और मैं तो सबको मुबारकबाद दूंगा और कहूंगा कि वोट डालने जाएं, क्योंकि नई पीढ़ी जो है उसके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कुछ लोग 20-30% जो लोग नए पीढ़ी के लोग जो वोट डालने नहीं जाते और वो बदलाव जब देश में बात करते हैं फिर कहीं ना कहीं ये हमारी खुद की जिम्मेवारी है। अगर वोट डालने जाओगे तो फिर डेमोक्रेसी में आपका पूरा राइट है, अगर वोट ही नहीं डालने जाओगे तो मैं मानता हूं कि डेमोक्रेसी के अंदर बदलाव और इन तमाम चीज़ों की बात करना फिर कहीं ना कहीं जो है ना वो हो जाती है। तो वोट डालने ज़रूर जाओ, वोट अच्छे उम्मीदवार को डालो, पढ़े लिखे को डालो, वोट उस उम्मीदवार को डालो जो असली मायने में काम कर सके, कर्मयोगी हो। धर्मयोगी, जाति पाति और इन सब चीज़ों पर वोट मत डालो। हरियाणा में कहीं ना कहीं जाति पाति हावी है? बिल्कुल होती है, हरियाणा के अंदर कई बार देखते हैं हम जाति पाति के नाम पर वोट डलता है, धर्म के तो नहीं है यहाँ पर मगर जाति के नाम पर है। तो मैं नई पीढ़ी से ये कहूंगा कि जाति से ऊपर उठ करके वोट डालो, क्योंकि जाति काम आती है एक दिन, काम काम आता है 5 साल, फर्क साफ। तो क्या लगता है कि हरियाणा आपकी बार क्या करवट बैठेगा, क्योंकि आप लोग भी 4.5 साल तक सरकार के अंदर सहयोगी रहे और अब अकेले चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, ये संघर्ष तो विरासत में मिला है हमें, इन चीजों से कोई परवाह नहीं होती और इस कश्मकश में राजनीतिक लोगों का काम है लड़ाई लड़ना और मांगना लोगों से वोट मांगना और फिर अगले 5 साल काम करना। हमने बहुत अच्छा काम किया और मैं इस बात से बहुत सेटिस्फाइड हूं कि माननीय दुष्यंत चौटाला जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने सत्ता में रह करके लोकहित के कार्य किए, कोई एक भी दाग उन पर नहीं है, तो उनका बहुत अच्छा कार्यकाल रहा और काम के नाम पर, उनके उस एमपी के कार्यकाल के नाम पर और इस 4 सालों के कार्यकाल के काम के नाम पर जेजेपी को बहुत अच्छा बहुमत मिलेगा और आज के दिन हालात ऐसे लगते हैं कि बीजेपी को बड़ा लॉस है हरियाणा। धन्यवाद। तो दिग्विजय सिंह चौटाला थे हमारे साथ जिन्होंने कहा है, तो दुष्यंत चौटाला ने भी कहा है कि लोकतंत्र का महापर्व है और वोट सबको डालना चाहिए। दिग्विजय चौटाला ने एक और बड़ी बात कही है कि जो यूथ है वो बात जरूर करते हैं लेकिन वोट नहीं डालते हैं, वोट अब जब समय आया है तो वोट करना चाहिए और वोट जब करेंगे तभी बदलाव हो सकता है और तभी अपनी बात जो है वो रखी जा सकती है। कैमरामैन अजय के साथ अंकित उदानी, न्यूज 18 सिरसा।